देखिए, अब हमें घन की भुजा याद करना है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, है ना। तो ये आपका मैंने एक घन बनाया। क्या बनाया? ये मैं एक घन बनाता हूं, ये मैंने क्या बनाया बताओ? क्या है ये? घन। ये घन है, घन। ये मैंने आपके सामने एक घन बनाया है। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमें दिया गया है 600 वर्ग मीटर। इसकी भुजा कितने की है ये मालूम नहीं, तो माना भुजा को अपन ने ए मान लिया। क्या मान लिया? भुजा इसकी ए है ना। अब इसमें कितनी फलक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक, है ना। एक फलक का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। एक फलक जो कि वर्गाकार है इसलिए उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो 6 फलक है तो 6A² है ना। तो यहां लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6A² ए मतलब भुजा, ए यहाँ पे भुजा है, भुजा को मैंने ए मान लिया है। और क्षेत्रफल आपको कितना दिया? 600 बराबर 6A² और 600 ये 6 गुणा में है तो बटे में 6 आ जाएंगे बराबर ए स्क्वायर। 6 से काट दो, 6 कम 6 0 0 तो ये हो जाएगा 100 बराबर ए स्क्वायर। और वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल आपको मालूम ही है 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो a बराबर 10। तो भुजा कितने की हो गई इसकी? भुजा बराबर हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ये हमने इसकी भुजा बड़ी सरलता से आपको ज्ञात करके बताई कि किस प्रकार से भुजा ज्ञात की जाती है।